ये देखिए कितनी शो पीस है। अरे प्यारी सी चरखी है, शो पीस है ये देखिए। ठीक है, ये भी शो पीस है पूरा। ये हमने गण सिंह को दी थी जोधपुर दरबार को, उन्होंने ये लेटर दिया। अच्छा, जोधपुर दरबार में जो है गज सिंह जी जो राजा थे उनको दी थी ये, उनका लेटर है उनका क्या? लेटर है ये, उन्होंने रिसीव का आप देख सकते हैं। और कुछ पेपर कटिंग्स भी है ये हमारे फादर हैं ये देखिए, विक्रांत जी, पुलिस जयपुर ये ऑर्डर से हम बनाते विक्रांत। हैं। अच्छा, जैसे पहले हुआ करती थी हाथ से गुड़ाई करके बनाई जाती थी, अब ये आपके सामने। ये क्या कर रहे हैं आप? इसकी घिसाई कर रहे हैं साहब, इसके बाद में पॉलिश करेंगे। अच्छा, ये घिसाई होगी, फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। कपड़े चढ़ाने में आसानी। अच्छा, मतलब फिर पॉलिश चढ़ाने में आसानी रहेगी। आसानी, ठीक है। घिसाई की जा रही है इसकी। हाँ, प्लेन हो गया, स्मूथ हो गया। ये देखिए, इसकी गर्मी से ये जो लकड़ी है ये गर्म हो जाती है, और ये इधर आके बताइए। देखिए, आपको ताहिर भाई बताएंगे। ये क्या होता है, लकड़ी की जो ये चलता है ये, हाँ, तो इसकी जो घर्षण होती है ये गर्माश और चपड़ी की गर्माश की वजह से ये पिघल के इसको चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है। ठीक, ये देखिए, जब ये स्पीड से चलता है तो ये गर्म गर्मी थोड़ी गर्मी इसमें आती है, फिर चपड़ी गर्म होकर। ठीक है, और अब ये जो ये पत्ता होता है, अच्छा, इससे चमक आती है, इससे केवड़े का पत्ता, केवड़े का पत्ता, केवड़ा, ये हल्का से तेल लगा के इसको। अच्छा, ये आप देख रहे हैं बार बार में ये पेड़ के यहाँ से ये लगा रहे हैं। अच्छा, ये पैर को क्यों लगा रहे हैं? ये तेल लगा हुआ है अपन के पैर के। अच्छा, पैर पे तेल लगा हुआ है। हाँ, बार बार में इसको ये टच करते हैं इसपे। ठीक, हल्का सा तेल भी लगाना पड़ता है, चमक बनी रहे। जब ये स्पीड से चलता है ना तो ये थोड़ी गर्म होती है, फिर ये चपड़ी चिपक जाती है, चिपकती है। ठीक, ये है, इसको चपड़ी आती है, उसकी पट्टी बनती है, चपड़ी लाक आती है, ये लाक है, चूड़े बनते हैं। ये देखिए आप, ये देखो क्या शानदार चमक आई है गाइस, मजा आ गया। एक-एक लकड़ी का एक-एक रेशा दिख रहा है। हाँ, अब आगे से देखिए आप, आगे से भी आप देख सकते हैं। ये देखो क्या चमक है, मतलब ये सब हाथ से काम होता है, अपना मशीन से काम नहीं होता है। बिल्कुल, ये देखिए आपके सामने है, हाथ से बना रहे हैं बिल्कुल एक एक चीज को। तकरीबन एक पहिए में 10 मिनट लगते हैं। अच्छा, एक पहिए में 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट लगते हैं। तो पूरे दिन में कितना टारगेट रहता है आपका? ये मुश्किल से इनसे 17 जोड़ी चरखी तैयार होती है। 17 जोड़ी हाथ से, जबकि इसकी डिमांड होती है लेकिन ये बन नहीं पाती हाथ से, क्यों आप वक्त के हिसाब से आदमी सबने छोड़ दिया काम, कोई आदमी ने सिखाता नहीं है, सीखता नहीं है काम। ट्रेडिशनल चीज़ें तो ट्रेडिशनल होती हैं। देखिए, ये जो काम है ये ट्रेडिशनल है, बस ये देखिए वक्त के हिसाब से। अब ये सब सब अब दूसरी तरफ से जो है इसकी घिसाई करेंगे। जी हाँ, घिसाई फिर लाख चढ़ाएंगे। अब ऐसी मेहनत कोई नहीं करता, अभी धीरे धीरे ये बन होता जा रहा काम। अच्छा, ये जो है फिट कर दिया है इन्होंने, ये देखिए अब ये एक ही उस पर घूमेगा। कौन करेगा ये हाथ से? बिल्कुल, बहुत मेहनत वाला काम है। ये देखिए तेल लगा लिया है, ये रेगमाल से इस पे मिठाई हो रही है, इसे इसमें तो जाएगा, फिर बाद में इसको चपड़ी भर के। आप खुद देख सकते हैं कितना टाइम लग जाएगा एक पहिए बनने में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत वाला काम है और टाइम भी लेता है ये। जब हम किसी चीज़ को
मशीन से ना बना करके हाथों से बनाते हैं तो वो टाइम लेती है और आपकी मेहनत लेती है, तो उसी चीज़ की जो है मेहनत का चार्ज आपसे उसी तरीके से लिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अब लाख की परत चढ़ाई जा रही है, ये देख। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन एंड डूइंग फैंटास्टिक। सो गाइज, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है खरादियों की मस्जिद। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है खरादियों की मस्जिद है और इसी के पास में शफी भाई चरखी वाले के बहुत ही फेमस हैं, चरखी बनाते हैं। देखिए इनके जो चरखी बनाने की जो प्रोसेस है वो चल रही है अभी। ये देखो ये क्या हो रहा है, पॉलिश किया जा रही है। अच्छा, लाख की पॉलिश होती है इस पर। अच्छा, ये आपके हाथ में लाख है, ये लाख है। फिर ये पॉलिश होकर के कुछ इस तरह का प्रोडक्ट निकलता है। ये देखिए बिल्कुल चमचमाता हुआ ऐसा प्रोडक्ट हाथ में आता है। और यहाँ के जो ओनर हैं वो है ताहिर भाई। तो ताहिर भाई नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। ये आप क्या कर रहे हैं? ये चरखी की फिटिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो लाख लगा रहे हैं जी, इसके बाद में जो है चरखी का क्या होता है, मतलब होती है? अच्छा, इसका फिटिंग होती है, वो किस तरह से करते हैं? ये दोनों पहियों को सेट करते हैं डंडी के ऊपर, फिर बाद में उसको सेट करके बीच सेंटर पहिया लगा के उसको फेविकोल से। ये देखिए जैसे ये इनके हाथ में एक सैंपल है। शफी भाई जो हैं वो फेमस इसलिए हैं क्योंकि उनके यहाँ की चरखियाँ आप देख सकते हैं ये सारा लेज़र का वर्क होता है, ये लेज़र से कटती हैं। पीतल की प्लेट है ना जी? पीतल की प्लेट है और शीशम की लकड़ी है। शीशम की लकड़ी है, पीतल की प्लेट है और डिज़ाइन आप सभी के सामने है, ये देखिए। अच्छा, पर पीस आप कितने का बेचते हैं? थोक के हिसाब से जाता है। अच्छा, थोक के हिसाब से जाता है, तो आपको कितना क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा? ये एक एक कार्टून के हिसाब से। अच्छा, एक कार्टून में कितनी आ जाती हैं चरखियाँ? 50 चरखियाँ आ जाती है। ठीक है, ये एक्रेलिक की भी है। किसकी है? एक्रेलिक शीट। एक्रेलिक शीट, ये देखिए क्या बनावट है इसकी। इसमें भी जाती है। अच्छा, ये सारी हैदराबाद जाएंगी? ठीक है। और ये ऑर्डिनरी जो चरखी होती है जो ये आती है क्रिस्टल की बोलते हैं। अच्छा, ये क्रिस्टल में है। ठीक है, तो ये आपसे पर कार्टून में खरीदारी करनी पड़ेगी तभी देंगे आप सिंगल? अगर शौकीन आते हैं तो 4-5 चरखी बना देते हैं उसको। अच्छा, तो वो शौकीन 4-5 कम से कम लेके जाएं तब भी फायदा। अब क्या है कि शौकीन को और दुकानदार के रेट का डिफरेंस आता है। लकड़ी की चरखी है ये देखिए, ये जो है ये नीम की लकड़ी काम में लेते हैं। अच्छा, नीम की लकड़ी से बनी है ये चरखी, ये देखिए। इस पे आपको देखो शफी भाई की ब्रांडिंग मिल जाएगी, शफी जयपुर, ये देख पा रहे हैं आप, ये शफी जयपुर, ये नीम की लकड़ी से बनी हुई है। पूरा हाथ का वर्क है हमारे यहाँ। अच्छा, पूरा हाथ से बनता है सब, A to Z। ठीक है, ये देखिए ये सैंपल रखे हुए हैं शफी भाई के यहाँ पे। और भी ये जो है रॉ मटेरियल है, ये जो रॉ मटेरियल है आप एक मतलब की है। अच्छा, ये प्लास्टिक का है। प्लास्टिक की है। ठीक है, तो एक जीरो से बना के दिखाए ना हमें किस तरह से आप बनाते हैं। पहले शुरुआत में लकड़ी लाद के उसको काटते हैं। ठीक है, खराद में उतारते हैं, खराद में उतारने के बाद फिर उसकी पॉलिश होती है, चपड़े की पॉलिश होने के बाद फिर डंडी का सेट करते हैं उसको। तो ये एक चरखी 25 हाथ में आती है। 25 हाथ में? 25 बार काम में आती है। तो मतलब यहाँ के अलावा और भी लोग काम कर रहे हैं? लेवर लगा रखी है हमने, डंडी अलग बनती है इसकी। अच्छा, ये डंडी है, ये डंडी अलग से बनती है, एक बांस की बनती है, एक शीशम की लकड़ी की बनती है, एक आम की लकड़ी की। ठीक है, तो ये जो है ये कौन सी लकड़ी है इसमें? शीशम की लकड़ी है। ये शीशम वाली है। अच्छा, इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे हम शीशम की और नीम की में? कलर का फर्क होता है। अच्छा, ये जो है ये देखिए, ये कलर का फर्क है, ये थोड़ी सी डार्क ब्राउन है, ये थोड़ी लाइट ब्राउन है, ये देखिए। अच्छा, ये जो लेजर वर्क है ये भी आपके यहीं पे होता है? ये लेजर कटिंग तो ये है लकड़ी की,
लेजर कटिंग। अच्छा इस पे है लेजर कटिंग। लेजर कटिंग। और ये जो होती है ना ये हाथ से काम होता है पीतल के ऊपर, ये वाला मीनाकारी का काम है। अच्छा ये मीनाकारी, ये देखिए क्या शानदार डिजाइन है, मतलब एकदम ट्रेडिशनल लगती है भाई सब चरखी, जैसे पहले हुआ करती थी हाथ से गुड़ाई करके बनाई जाती थी, अब ये आपके सामने है प्रोडक्ट। कोई शौकीन आते हैं बोलते हैं अपने नाम की चरखी बनानी है तो उसको उसी नाम से बनाते हैं। जैसे सैंपल है आपके पास? ये देखिए विक्रांत जयपुर, ये ऑर्डर से विक्रांत। अच्छा इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है? हाँ, क्या मिनिमम क्या चार्जेज है? ये तकरीबन चरखी बैठती है 1000 रुपए की, मतलब एक्रेलिक में। ये वाला एक्रेलिक कहाँ गया? ये वाला, ये है एक्रेलिक शीट, ब्रास का लट्टू होता है। अच्छा ब्रास का इसमें? हाँ, ये वाला नहीं, ये तो प्लास्टिक का है। अच्छा ऑर्डर से कुछ बोलता है तो उसको पीतल का भी लगता है। ठीक है तो ये पीतल का है। हाँ। ये पीतल पर बना हुआ, ये देखो आज से 10 साल पहले हमने महाराजा भवानी यानी गस सिंह जोधपुर दरबार उनको भी चरखी भेंट करी थी हमने। अच्छा कुछ टाइम बाद उसके बाद भवानी सिंह जी को भी जीते हमने। अच्छा तो ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ आपकी शॉप? दादा के टाइम से वली मोहम्मद के नाम, वली मोहम्मद। लगभग कितने साल पहले की बात है? ये 80 साल हो गए इस कारखाने को। अच्छा हमारे दादा वली मोहम्मद के नाम से ये फेमस है। फिर इसके बाद हमारे फादर थे शफी भाई चरखी वाले, उन्होंने काम शुरू किया, उनके साथ ही करते थे तो उन्हीं के नाम पे ये चल रहा है अभी। उन्हीं के साथ मैं भी जुड़ गया था। अच्छा उन्हीं के साथ तीन पीढ़ी हमारी, तीसरी पीढ़ी मेरी है। ठीक है तो ये जो लकड़ियाँ होती हैं ये आप खुद कटवाते हैं या मंगवाते हैं? कटवा के लेकर आते हैं, इसको साल भर सुखाना पड़ता है जब जाके, नहीं तो सुखाना पड़ता है। ये सारा खुद ही करते हैं या कहीं से मंगवाते हैं? सब अपन खुद करते हैं। अच्छा A to Z सारा काम अपने हाथ से करते हैं, बाकी जो ऑर्डर जो बाहर का काम होता है बाहर लेबर से करवाते हैं, बाकी फिटिंग जो होती है वो सब अपन खुद अपने हाथ से करते हैं। ठीक है तो अभी आप जैसे कुछ ठोका पीटी कर रहे थे वो कुछ बनाए आप, ये देखिए जो है ताहिर भाई अभी कुछ चरखी बना रहे हैं। ये जो आपने लगाया इसको क्या कहते हैं? कैप बोलते हैं, खाली शो के लिए लगाते हैं। शो के लिए लगती है ये, डिजाइन डाल मतलब डिजाइन बन जाती है एक पतंग ओ चरखी में। ये देखिए ये फिट हो गया इसमें, एक ये साइड है ये सुनी सुनी लग रही है, एक ये साइड है, ये देखिए कौन सी बढ़िया लग रही है आप खुद कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए जो है ये चरखी तैयार हो गई। अच्छा ये लकड़ी जो है कितने साल चलती है, मतलब एक चरखी आप बनाते हैं कितने साल चलती है? ये तकरीबन 10 साल इसे कुछ नहीं हो सकता, इसका दिमाग नहीं लगेगा, कुछ नहीं लग सकता, ये 10 साल कहीं नहीं जाएगी। ठीक है प्लास्टिक का डंडी टूट सकती है इसकी 2-3 साल में कभी, लेकिन पहिया इसको टूट नहीं सकता, मतलब नुकसान नहीं होगा, दिमाग वगैरह नहीं लगेगा तरीके से इसको इस्तेमाल करेगा। हाँ, वो टूट फूट तो खैर उनकी गारंटी आपकी गारंटी से बाहर है। ठीक है डंडी का प्लास्टिक से भी छोटी दिखाता हूँ आप इसको। हाँ और भी कोई साइज है आपके पास? दिखाता हूँ सैंपल दिखाए ना। ये देखिए इनके पास ये जो है ये कटे हुए हैं, ये देखिए इनके पास जो है पीस निकले हुए हैं, देखो ये देखिए ये पूरा इनके पास चरखियों का स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे होके दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरा जो है स्टॉक है इनका। ठीक है और यहाँ पे अलग अलग लकड़ियों के जो है पीस कटे हुए हैं और ये चरखियाँ बन रही हैं। और ये अंकल जो हैं लाख पॉलिश चिमका रहे हैं इसको। आप कितने साल से हैं इसमें? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए इसी लाइन में आप? ये वैसे दूसरा काम करते थे खिलौने वगैरह का। अच्छा मध्य प्रदेश से? भोपाल जिला। भोपाल से? मुरैना जिला में रहते हैं एमपी। अच्छा तो ये देखिए कितनी सफाई से साल हो गया चमकाया जा रहा है, इसे लाख लगाई जा रही है। ये देखिए
ये लाख से थोड़ा सा क्या है गर्म है, अभी आग के पास रख के इसको इस तरह से किया जाता है और ये आउटपुट इनका निकलता है। अच्छा, एक दिन में आप कितनी ये जो इसको क्या कहते हैं जो पॉलिश कर रहे हैं आप, चरखी के ये वो हैं, चरखी के आप पहिए, तो ये कितने आप निकाल देते हैं पर एक दिन में? एक दिन में ये ज़्यादा ज़्यादा 35-1 पीस बनते हैं। 35-1 पीस केवल पॉलिश करने का काम है आपका? ठीक है, तो ताहिर भाई सैंपल लेके आ गए हैं, देखते हैं प्लास्टिक की चरखियों से लेकर के लकड़ियों की चरखी है। ये देखिए कितनी प्यारी सी चरखी है, शो पीस है ये देखिए। ठीक है, ये भी शो पीस है पूरा। ये हमने गसिंग को दी थी जोधपुर दरबार को, उन्होंने ये लेटर। अच्छा, जोधपुर दरबार में जो है गज सिंह जी जो राजा थे उनको दी थी ये, उनका लेटर है ये, उन्होंने रिसीव का आप देख सकते हैं, और कुछ पेपर कटिंग्स भी है। ये हमारे फादर हैं, शफी भाई चरखी वाले के नाम से। ये यहीं का फोटो है जी हाँ, ये यहीं सब पेपर की कटिंग है। और ये 6 फुट की लंबी चरखी हमने बनाई थी, ये 6 फुट की जी हाँ, तकरीबन हो गए 10 साल हो गए इसको बनी हुई। 10 साल मतलब 6 फुट बहुत बड़ी चरखी है ये, आप देख सकते हैं। ये अभी मौजूद कहाँ पर है? ये कलकत्ता गई सर। अच्छा, कलकत्ता गई है। ये वाली साहब की प्रिंट की फोटो है, ये हमारे वली मोहम्मद जो उस्ताद है ना, हमारे दादा ये हैं और ये हमारे वालिद। ठीक है, ये मतलब कितने साल पुराने की कटिंग है? ये तकरीबन भाई साहब ये सन 84 की है। ये सन 84 की है, 50-60 साल पहले ये चरखी बना के देते हैं। ये देखिए ये 10 फीट वाली चरखी, ये देखिए ये एग्जीबिशन लगी थी अपने चौगान स्टेडियम में। चौगान स्टेडियम में कितने साल पहले लगी थी? तकरीबन हुआ 10-12 साल हुए। ठीक है, ये चरखी बनाई थी हमारे फादर ने, ज्योति बसु जो तो चीफ मिनिस्टर थे कलकत्ता के, उनके अच्छा। लिए गिफ्ट करी थी ये चरखी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना शानदार काम है ताहिर भैया का। ये हमारे फादर ने चरखी बना के दी थी, ये फ्रांस से आदमी आया था। अच्छा, तो ये चरखी लेके गया था, ये पतंग है, ये चरखी की फोटो है, और इसको ई डोम मार्टिन है इसको गिफ्ट करी थी हमारे फादर ने। ठीक है, मतलब आपका आउट ऑफ इंडिया भी जो है कारोबार फैला हुआ है। डिलीवरी भी करते हैं आप? नहीं, कोई आता है शौकीन उसको बना देते। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में आप कहाँ कहाँ डिलीवरी करते हैं? हम हैदराबाद करते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र औरंगाबाद में करते हैं, और कलकत्ता में, लखनऊ ज़्यादा करते हैं, बरेली है। मतलब बरेली में भी यहीं से जाता है माल? जी हाँ, बरेली। बरेली वाले फिर यहाँ आते सेल करने? हाँ, ये लोग क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के पास देखा, यहाँ से चरखी मंगाते हैं, उसमें धागा भर के फिर वहाँ से सप्लाई करते हैं। अच्छा, जयपुर के भी कई दुकानदार हैं, यहाँ से चरखी भिजवाते हैं, फिर वहाँ से डोर बन के। अच्छा, आपसे ऑनलाइन कोई डिलीवरी करवानी हो, या कोई हमारा जो व्यूअर है, हमारे दर्शक हैं जो, वो आपको संपर्क किस तरह से कर सकते हैं? हमारे नंबर से कर सकते हैं। अच्छा, आपके नंबर से है, तो मैं इन ताहिर भाई साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनके कारखाने का विजिट कर सकते हैं अगर आप जयपुर से हैं, नहीं तो ये आपको सैंपल व्हाट्सएप कर देंगे। ये देखिए आपको व्हाट्सएप कर देंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको बता देंगे। हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ का एड्रेस और इन ताहिर भाई साहब का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, फ्लैश भी कर दूंगा मैं स्क्रीन पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ चरखियाँ रखी हुई हैं, ये सारे मतलब चरखियों का कारोबार है। अच्छा, आपका जब कारोबार है वो साल में कितने साल महीने चलता है? तकरीबन पूरे 12 महीने। अच्छा, 12 महीने का, 2 महीने हमारा सीजन चलता है, दिसंबर जनवरी, बाकी रेगुलर चलता रहता है, अलग अलग सीजन है। आकर तीज पे बीकानेर चलता है, 15 अगस्त पे दिल्ली करता है। अच्छा, दिल्ली भी जाते हैं? दिल्ली भी जाती है, और दिवाली पे लखनऊ जाता है, फिर इसके बाद जयपुर, इधर ये 4-5 सीजन होते हैं 14 जनवरी के। ठीक है, तो ये थे ताहिर भाई हमारे साथ, शफी चरखी हाउस इनका है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, एड्रेस आपको इनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं चरखियों का, तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। धन्यवाद।